नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज वॉट इज द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी इफ आर इज इक्वल टू थ्री आई कैप माइनस फोर जे कैप प्लस के कैप एंड ओमेगा इज इक्वल टू फाइव आई कैप माइनस सिक्स जे कैप प्लस सिक्स के कैप हमें यहाँ पे दो वेक्टर दे रखे हैं आर और ओमेगा अपने को लीनियर वेलोसिटी बतानी है सिंपल सवाल है लेकिन इसमें काम करना होएगा हालांकि right? सवाल है पहले डेटा लिख लेते हैं सो आर वैक्टर इज इक्वल टू थ्री आई कैप माइनस फोर जे कैप प्लस के कैप और ओमेगा वेक्टर जो दिया हुआ है अपने को वो है फाइव आई कैप माइनस सिक्स जे कैप प्लस उसी के साथ ने दिया हुआ है सिक्स के कैप राइट हमें पता है वेलोसिटी वेक्टर जो होगा वेलोसिटी वेक्टर विल बी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर बस हमें इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करना है एंड दैट इज हाउ विल गेट आर फाइनल आंसर सो ऑल नीड टू डू इज डू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वैक्टर्स सो so, इनको जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे सो इट विल भी इनका क्रॉस प्रोडक्ट हम कर सकते हैं लिखें आई जे के पहले ओमेगा ओमेगा फाइव माइनस सिक्स सिक्स फिर आर थ्री माइनस फोर और वन हालाइट क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका क्या होता है जो आईस uh, हमें लिखना है उसके लिए आई को ढक लें इन दोनों को पहले क्रॉस प्रोडक्ट करें सो इट विल बी इक्वल टू इसको जो हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे सो so अपना वेलोसिटी फैक्टर इट विल बी इक्वल टू इनको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे सो इट विल बी माइनस सिक्स और उसमें से माइनस करें आ, प्लस सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर आई कैप उसमें प्लस करें अब जे को क्रॉस कर लें जे को क्रॉस करें इन्हें माइनस करें सो इट विल बी सिक्स थ्री जा एटीन दिस माइनस फाइव जे कैप प्लस के को क्रॉस कर लें इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करें सो इट विल बी फाइव दिस विल बी माइनस ट्वेंटी उसमें से माइनस करें सो माइनस माइनस दिस विल बी प्लस एटीन इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट के कैप इनको सॉल्व करने पे एम्प्लाइज अपनी वेलोसिटी की जो वैल्यू आ गई सो दिस विल बी एटीन आई कैप प्लस ये आ गया थर्टीन जे कैप हालाइट और ये दोनों को ये माइनस करने के बाद माइनस टू के कैप सो दिस विल बी Our final answer, uh, which means option number B 18i cap plus 13j cap minus 2k cap, will be the right answer for this particular problem.